हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मैथ्स का एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएशन। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे आप डिप्लोमा में हो या आप प्लस वन प्लस टू कर रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो इसे हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और बिल्कुल एडवांस लेवल तक करेंगे। मैं धीरे धीरे आपको ये पूरा चैप्टर करवा दूंगा डिफरेंशिएशन का। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं इसका जो फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन का, ये फॉर्मूला लिमिट से ड्राइव होता है। लिमिट भी एक चैप्टर है प्लस वन की बुक में, तो हम लिमिट्स बाद में करेंगे, पहले हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन करने का। मान लो कि हमारे पास कोई फंक्शन है एक्स की पावर एन और हमें इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू, हमें एक्स एन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक फॉर्मूला है, ये जो है ये साइन है डिफरेंशिएशन का। नीचे हम हमेशा वो चीज़ रखते हैं जिसके रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन करनी होती है। जैसे हमें यहाँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन करनी है, इसलिए हमने यहाँ पे एक्स डिफरेंशिएशन रखा है। अगर हम मान लें कि जो हमारा फंक्शन है एक्स एन वो इक्वल टू वाई है, तो हम जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा क्या आएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, फिर हमारा वाई की वैल्यू हमारे पास ये हो जाएगी, ये हो जाएगा एक्स एन डिवाइडेड बाई डी एक्स। तो इसकी हमें डिफरेंशिएशन करनी है। ये डी बाई डी एक्स जो है ये रिप्रेजेंटेशन है हमारे डिफरेंशिएशन की विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और हम इसकी डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं, फॉर्मूला ये है कि जो फंक्शन की पावर होती है, फंक्शन की जो पावर है उस पावर को हम आगे मल्टीप्लाई में लेके आते हैं। मल्टीप्लाई का साइन एक्स को फंक्शन को ऐसी और उसकी पावर में से एक कम करना होता है। तो ये होता है हमारा डिफरेंशिएशन करने का जो मेथड है। मीन्स हम क्या कह सकते हैं, डी एक्स एन डिवाइडेड बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। मीन्स हमें डिफरेंशिएशन में हमेशा क्या करना है, जो फंक्शन की पावर है उसे उठा के आगे लेके आना और पावर में से एक को कम करना है। बस इतना सिंपल सा फॉर्मूला जो आपको हमेशा याद रखना है ये, कि किसी भी फंक्शन की डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें उसकी पावर को आगे मल्टीप्लाई में लेके आना है और उसकी पावर में से वन को कम करके वहाँ पे लिख देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि हमें डिफरेंशिएशन करनी है एक्स की पावर क्यूब की, तो हमारे पास क्या होगा इसका आंसर, डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स जो होगा वो किसके इक्वल होगा। पहला स्टेप क्या है, पावर को आगे रखना है। पावर क्या है, पावर है थ्री, इसको यहाँ पे रखेंगे, उसके बाद एक्स पावर में से वन को माइनस करना। मीन्स हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, थ्री एक्स स्क्वेयर, थ्री में से वन करेंगे तो थ्री एक्स स्क्वेयर, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की क्यूब का। सिंपल सा है, हमें सबसे पहले पावर को आगे रखना है और उसकी पावर में से एक को कम करना है डिफरेंशिएशन करने के लिए। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। मान लो कि हमें आगे हम देख लेते हैं, अगर कोई माइनस की पावर है, सपोज हमारे पास है एक्स की पावर माइनस इलेवन और हमें इसका डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारा क्या हो जाएगा, पावर को आगे रखेंगे, पावर क्या है माइनस का इलेवन, पावर को आगे रखा माइनस इलेवन, मल्टीप्लाई एक्स पावर में से एक को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस इलेवन एक्स की पावर माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस का ट्वेल्व हो जाएगा। और आपको ये बात भी पता होगी कि जब पावर माइनस में होती है तो हम उसे वन ओवर पावर लिख सकते हैं। अगर हमारे पास एक्स की पावर माइनस एन है तो वो इक्वल टू किसकी होता है, वन ओवर एक्स एन। ये बात आपको पता होगी, आपने छोटी क्लासों में सीखी होगी कि जब हमारे पास पावर माइनस में होती है तो हम उसे डिवाइड में लिख सकते हैं। तो इसे हम रीअरेंज करके कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा माइनस इलेवन एक्स की पावर नीचे आके प्लस का ट्वेल्व बन जाएगा। आई होप अब ये आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल करके देखते हैं, एक्स की स्क्वेयर इंटू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स की फोर, इसे डिफरेंशिएट करना है हमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारा क्या आंसर आएगा,
पहले तो हम सिर ईयरिंग कर लेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x की स्क्वायर इंटू x की क्यूब डिवाइडेड बाय x की 4। क्यूब से यहाँ पे तीन पावरें कट जाएंगी और एक बचेगी जो ये इससे कटेगी, तो हमारे पास फाइनली क्या बच जाएगा, d ओवर dx इंटू x बचेगा सिर्फ, और उसकी x की डिफरेंशिएशन करनी है। करते कैसे हैं हम इसकी डिफरेंशिएशन, यहाँ पे कर रहा हूँ, हमें करनी किसकी है, x की डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या करना होता है, पावर को आगे लेके आना है, यहाँ पे पावर कोई नहीं है मतलब कि 1 होगी, तो 1 को आगे लिखेंगे, 1 इंटू एक्स पावर में से 1 माइनस 1 करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 इंटू एक्स, 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा। आपको ये बात भी पता होगी कि जब किसी भी फंक्शन की पावर जो होती है वो 0 होती है तो वो इक्वल टू 1 होता है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, 1 आ जाएगा। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि x की डिफरेंशिएशन हमेशा 1 होगी। अगर हमें हमारे पास कोई कांस्टेंट होता, मान लो कि हमें 5 की डिफरेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसमें x का कोई कंपोनेंट है ही नहीं है, ये विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब ये होता है कि हम जिस भी फंक्शन की डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसमें x होना चाहिए, अगर उसमें x नहीं है तो उसे हम एज अ कांस्टेंट बिहेव करवाते हैं। जब कोई भी टर्म कांस्टेंट होती है और हमें उसका डिफरेंशिएशन करनी होती है तो वो हमेशा 0 आती है, किसी भी कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होती है, क्योंकि उसमें वो चीज़ प्रेजेंट ही नहीं होती जिसके विद रिस्पेक्ट टू हमें डिफरेंशिएशन करनी होती है। जैसे कि हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करनी थी और यहाँ पे x प्रेजेंट है ही नहीं है, इसलिए हमारा जो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन होगी वो 0 हो जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आज के लिए बस इतना ही, कल हम इससे थोड़े और आगे बढ़ेंगे। आपको अगर ये कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप इसे फिर से एक बार देखिएगा, आप इसे एक दो बार देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आना शुरू हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब मैं लगातार वीडियोज़ डालूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।